इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेहरू सरकार में नेताजी के परिवार की जासूसी आजादी के बाद भी होती रही। ये एक नया विवाद है, लेकिन इससे पहले भी कई सवाल सरकारों पर उठते रहे हैं। अगर नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई तो इसकी खबर 5 दिन बाद क्यों आई? शनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने ताइवान की सरकार से बात क्यों नहीं की? मुखर्जी कमीशन की बात तब की सरकार ने मानी क्यों नहीं? क्या इसलिए कि उनकी रिपोर्ट विमान हादसे की थ्योरी को झुठलाती है? तो आखिर नेताजी की मौत का सच क्या है? नेताजी की मौत पर सरकारी नजरिए से इत्तेफाक रखने वालों की तादाद बेहद कम है। यही वजह है कि सरकार उनकी मौत के बाद एक के बाद एक जांच कमेटियां बनाती चली गई। हिंदुस्तान आजाद होने के 9 साल बाद 1956 में भारत सरकार ने नेताजी की मौत की जांच के लिए शाहनवाज कमेटी का गठन किया। 1970 में खोसला कमीशन को भी जांच का काम दिया गया, लेकिन ये दोनों जांच सवालों के घेरे में फंस गए क्योंकि दोनों आयोग के अधिकारियों ने ताइवान सरकार से कोई बात ही नहीं की। नेताजी की मौत महज एक रहस्य बनकर रह गई। ९९ में मुखर्जी कमीशन ने एक बार फिर जांच शुरू की तो तहलका मच गया। 2005 में ताइवान सरकार ने कहा कि 1945 में उनकी धरती पर कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। मुखर्जी आयोग ने यह बात अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दी, लेकिन भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट खारिज कर दी। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद के सरकारों ने सच्चाई को और जनता को कन्विंस करने वाली सच्चाई को जनता के सामने लाने में विफल हुए हैं। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो कथित विमान दुर्घटना थी उसमें नहीं हुई है। नेताजी के परिवार के लोग और उनकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग भी ये कतई मानने को राजी नहीं है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी। इस सरकार के ओर से जब रेणुकाजी टेम्पल से चिताभस्म ले आने का बात हुआ था, हम लोग इसका विरोध किए थे। सारे देश में इसके ऊपर हम लोग विरोध मनाए थे। आखिर क्यों छुपाया गया नेताजी की मौत का सच? नेताजी की मौत का सच सामने न आने से किसको हो सकता था फायदा? आखिर क्यों हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को नहीं मालूम नेताजी की मौत का रहस्य? आखिर कौन सा राज छुपा है नेताजी की मौत के राज में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की पहेली जितनी बार भी सुलझाने की कोशिश की गई उतनी ही वो उलझती जा रही है। एक के लिए जो सच है, दूसरे के लिए वो सच से परे है। नेताजी की मौत की जांच के लिए जो कमेटियां बनी और उनके रिपोर्ट्स जब सामने आए तो मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती चली गई। नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 1999 में मुखर्जी कमीशन का गठन किया गया था। जस्टिस एम के मुखर्जी की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि विमान हादसे में नहीं गई थी नेताजी की जान, लेकिन इससे पहले शहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन ने वही थ्योरी दोहराई थी जो सरकार मानती चली आ रही थी, यानी विमान हादसे में ही हुई थी उनकी मौत। आखिर देश को कौन बताएगा कि सच क्या है? मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ ये नारा बुलंद कर देश भर में इंकलाब तुला दिया। इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन जब देश के आजाद होने की बारी आई तो वो लापता होकर एक रहस्य बन गए। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं, ये उतना ही गहराता गया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक तरफ माना कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई, तो दूसरी तरफ नेताजी की मौत का सच जानने के लिए शाहनवाज कमेटी भी बनाई। 1955 में बनी शाहनवाज कमेटी ने अपनी जांच के बाद एक विमान दुर्घटना में हुई नेताजी की मौत को सही ठहराया, लेकिन इस कमेटी के ही दूसरे सदस्य और नेताजी के छोटे भाई सुरेश चंद्र बोस इसे मानने से इनकार करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी 16 अगस्त 1945 को अपने कुछ साथियों के साथ जापान के एक बम वर्षक विमान में बैठकर सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक में रात गुजारने के बाद वो 17 अगस्त 1945 को वियतनाम के शहर साइगोन पहुंचे।
साइगोन से आगे जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से नेताजी से अपने सभी सहयोगियों को साथ न ले जाने के लिए कहा, लिहाजा नेताजी अपने सबसे करीबी कर्नल हबीबुर रहमान के साथ मंचूरिया की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें वियतनाम के शहर तुरेन में रुकना पड़ा। तुरेन में रात गुजार कर अगले दिन वो 18 अगस्त 1945 को ताइवान के शहर ताइहोकू पहुंचे। शाहनवाज रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी के विमान ने ताइहोकू से मंचूरिया के लिए अपनी उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरते ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दुर्घटना में नेताजी बुरी तरह जल गए और पास के मिलिट्री अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेताजी का मकसद मंचूरिया के रास्ते रूस में दाखिल होकर भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करना था। नेताजी की मौत से पर्दा कभी नहीं उठा, लेकिन मौत का रहस्य हमेशा चर्चा में रहा। कुछ लोगों का मानना है कि नेताजी ने जिंदगी के आखिरी दिन फैजाबाद में गुजारे थे। नेताजी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले फिल्मकार अमलन कुसुम घोष को मुखर्जी कमीशन के अध्यक्ष मनोज मुखर्जी ने यही बताया था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। डॉक्यूमेंट्री का दावा है कि नेताजी नेपाल के रास्ते साधु के वेश में यूपी पहुंचे थे और 1983 में वो राम भवन में रहने लगे थे। फैजाबाद के इसी राम भवन में गुमनामी बाबा ने 3 साल गुजारे। 3 साल यहां बिताने के बावजूद गुमनामी बाबा को आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि इस घर के मालिक के जहन में आज भी उनकी यादें ताजा हैं। मैंने कहा कि कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि देखो भाई, भारत के भारतवासियों का एक मिशन था, यहाँ के नेताओं का एक मिशन था कि देश को आजाद कराना। देश आजाद हो गया। आज देश की पूरी बागडोर जनता के हाथ में, वही आप प्रशासन कर रहे हैं, वही प्रशासन कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा देश चलाया जा रहा है। तो अब इसमें उस प्रकरण को उठाना नेताजी के बारे में, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, टालने की कोशिश किया। जो तीनों रिस्टवाच मिला है, जो तीनों रिस्टवाच बॉक्स नंबर 5 के अंदर और एक छोटी सी बॉक्स में थे इन्वेंटरी नंबर 1001 में, वो ओमेगा रिस्टवाच है, गोल्ड ओमेगा। गोल्ड ओमेगा रिस्टवाच पहनते हुए नेताजी की तस्वीर बहुत मशहूर है। कोई भी आदमी सिर्फ रिस्टवाच देखेगा, जो जिसको थोड़ी सी जानकारी है नेताजी के बारे में, वो फट से पहचान लेगा कि रिस्टवाच उनको ही है। फैजाबाद के राम भवन में आने से पहले गुमनामी बाबा ने अयोध्या के नया घाट इलाके के इसी पुराने घर में भी 1974 में अपना वक्त गुजारा था। गुमनामी बाबा के रूप में नेताजी के होने की खबर जब मुखर्जी कमीशन के कानों तक पहुंची तो कमीशन के लोग तहकीकात के लिए यहां आए। बहरहाल गुमनामी बाबा का रहस्य फैजाबाद ट्रेजरी में उनके सामान के साथ ही सीलबंद है। रईस परिवार में जन्म, लंदन में पढ़ाई, ICS की नौकरी, किसी भी नौजवान का यह सपना हो सकता था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को बस एक ही सपना देखना आता था, देश की आजादी का सपना। देश के लिए मर मिटने का जज्बा और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पराए मुल्क में आजाद हिंद फौज खड़ी की। यही वजह है कि देश का नौजवान नेताजी को मानता है असली महानायक। उड़ीसा में कटक के एक रईस परिवार में जन्मे नेताजी को देश की गरीबी और मजबूरी बचपन से ही कचोटती रही। अपने 14 भाई बहनों में सबसे अलग सुभाष चंद्र बोस ने घर के कायदे कानून को अपने काम में कभी आड़े नहीं आने दिया। औरों के लिए अपनी जिंदगी जीने का उनका फलसफा ताउम्र बरकरार रहा। पेशे से कामयाब वकील नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस उन्हें आजादी की लड़ाई से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ICS की पढ़ाई के लिए नेताजी को इंग्लैंड भेज दिया। नेताजी ने परिवार की उम्मीदों के मुताबिक ICS की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन गुलामी की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं थी। लिहाजा वो वापस लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी योजनाएं बनाने में जुट गए और इसमें उन्हें राह दिखाई चित्रंजन दास ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। इस बीच अंग्रेजों ने नेताजी को 2 जुलाई 1940 को एक बार फिर गिरफ्तार कर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। नेताजी इस दौरान समझ गए कि अंग्रेजी शिकंजे से आजादी
बिना बाहरी मदद के नहीं मिल सकती। 17 जनवरी 1941 को नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर एक पठान के वेश में अफगानिस्तान पहुंच गए और फिर वहां से 18 मार्च 1941 को रूस के रास्ते बर्लिन पहुंचे। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ गोलबंद हुए जर्मनी, जापान और इटली के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा। लेखक अनुज धर ने किताब लिखकर नेताजी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने आरटीआई दाखिल करके पहले भी कई बार नेताजी की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब जानने चाहे, लेकिन वो सवाल अब भी सवाल ही हैं। इसी मुद्दे पर उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। अरुण जी, बेहद अहम खुलासा, क्या 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 अहम कड़ियां हैं इस पूरे खुलासे? देखिए, कड़ियाँ बड़ी सिंपल स्टेट है कि पिछले 60-70 सालों में इस देश में एक मजाक चल रहा है। वो मजाक ये है कि सरकार आपको दिखाने के लिए तो ये बोलती कि साहब सुभाष चंद्र बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी, हम उस बात को मानते हैं, लेकिन सरकार के अंदर ही अंदर ये जितने खुफिया विभाग हैं और आपके जितने सीक्रेट फाइल हैं ये लोग बनाते जा रहे हैं, उसमें कहानियाँ कुछ और निकल के आ रही हैं। तो पिछले सन 45 में जब पंडित नेहरू ने ये छाती ठोक करके बोल दिया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में, 46 में कन्फर्म किया, सरदार पटेल ने भी कन्फर्म कर दिया 49 में, उसके बाद में आप उनके फैमिली के, उनके भतीजों पे, जो अपने आप में देशभक्त थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, आप उनके ऊपर जासूसी करते हो अंग्रेजों की तरह से, आप इंटेलिजेंस मशीनरी का मिसयूज़ करते हैं, आप लोकल इंटेलिजेंस को लगाते हैं उनके पीछे, उनकी मूवमेंट को आप इंटरसेप्ट करते हैं, आप उनके लेटर्स को पढ़ते हैं खोल के, आप उसको फाइलों में लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बीवी को भी आप नहीं छोड़ते आप लोग। तो ये पूरा जो ये किया था वो इसलिए किया गया था कि उनको मालूम था वो मरे नहीं है, तो वो हर तरह से जहाँ जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। जो अहम बात उस खुलासे में ये भी आई कि अगर कोई फॉरेन ट्रिप हो रही थी या डोमेस्टिक ट्रिप हो रही थी तो लगातार शैडोज भी जाते थे उनके साथ और लगातार पीछे पीछे जासूसी करते थे। जहाँ जहाँ जैसे फॉरेन से चिट्ठी आ रही है, अमेरिका से आ रही है, या फिर वो यहाँ से, जैसे उसका तो बहुत सिंपल स्टेट है, उमियानाथ बोस जो उनके भतीजे थे, जब वो जापान गए तो जब वो एयरपोर्ट पे हैं तो वहाँ से रिपोर्ट जा रही है, शिशिर कुमार बोस हांगकांग में किसी से मिलने गए तो वहाँ की रिपोर्ट वहाँ से आई। लगता है कि नेहरू ऐसा चाहते थे, नेहरू, आपने खुद कहा कि नेहरू ने खुद लिखा कि पता लगाया जाए कहाँ वो है, जासूसी कराई जाए, क्या नेहरू को खतरा था सुभाष चंद्र? नेहरू को सिर्फ खतरा नहीं था, वो पूरी जमात को जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हो गई थी 1939 के बाद, इस देश में देखिए हमारी आज़ादी की लड़ाई में एक डिवीजन आ गया था। हमारे देश के ज़्यादातर लोगों का मानना था कि हम लोग अहिंसावादी हैं, हम लोग पीस और नॉन वायलेंस पे चलते हैं, तो गांधी जी तो बोलते थे कि आर्मी भी डिसबैंड कर दो, उसकी भी जरूरत नहीं आपको देश में, वो तो अगर आप उनके, गांधी को खतरा था उससे, सारे लोगों को खतरा था, पॉलिटिकली सब लोग उनको पसंद नहीं करते थे, और उस जमाने की रिपोर्टें आज पब्लिक होकर आ गई हैं और मालूम चलता है कि इवन गांधी जी को मालूम था शायद वो रूस के अंदर है, और रिपोर्ट्स हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस की, वहां वो कह रहे हैं कि अगर ये आदमी वापस आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी देश के अंदर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अरुण धर, जो सनसनीखेज आरोप लगा रहे थे कि एक तरह से पूरा जो शासन और प्रशासन तंत्र है वो सुभाष चंद्र बोस को लेकर बेहद नकारात्मक रवैया रखता था, और शायद इसी वजह से जो फाइलें हैं वो अब 150 हो गई हैं और उनको छुपाने की पूरी एक जद्दोजहद चली है। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।